फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Pro Plus Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन हैंग करता है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से थोड़ी देर तक दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने पेज आएगा ये वाला। इसमें आपको बीच वाला जो बटन है इसे रीस्टार्ट की तरफ सरकाना है। इससे आपका फोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ही होता है हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपके फोन में जितने भी ऐप हैं इन सभी ऐप को रीसेट करना है, यानी कि इन सभी ऐप का डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, अगर आप अपने फोन का कोई सा भी ऐप उंगली से आप दबा के रखिए तो आपका एक छोटा सा पेज आएगा। इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलता है, ऐप इन्फो पर टैप करना है तो आपका ये वाला पेज आएगा। इसमें आपको स्टोरेज यूजेस पे टैप करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहले तो क्लियर कैच का ही ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लियर डेटा पे टैप करना है, तो आपका ये पेज आएगा क्लियर ऐप डेटा का, इसे ओके करना है। आपका ये डेटा के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप का डेटा क्लियर करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम करना क्या है, आपको जो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग पेज में लाएगा। आपको जो है ना इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपको अगला काम करना क्या है, आपके मोबाइल फोन में जो ऐप आपके अपडेट नहीं है उन सभी ऐप्स को अपडेट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करिए। इसमें आपको राइट साइड के टॉप पर ना, राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है। ठीक है, आपका एक ये पेज आएगा, इसमें आपको मैनेज ऐप पे टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है ना यहाँ पे ये अपडेट अवेलेबल के नीचे अगर ये सी डिटेल का ऑप्शन दिखाई देता है तो सी डिटेल पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इस पेज में आपके मोबाइल फोन के वो सभी ऐप दिखाई देते हैं जो आपके अपडेट नहीं है, इन सभी ऐप को अपडेट करना है इस अपडेट ऑल पे बटन पे टैप करके। ठीक है, अगला काम करना क्या है, मोबाइल फोन को जो है ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग पेज में लाएगा, आपको नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना, तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।